नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने कोशिश किया कि आपको कुछ अलग तरीके से वीडियो को प्रोवाइड करें। दोस्तों, हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा है व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं इस सवाल को पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल उनका ये कि एक्चुअली आई एम हिंदू एंड माई गर्लफ्रेंड इज मुस्लिम, कैन वी मैरी, व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट आर द चार्जेस, वो पूछ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने अनेक वीडियोस के अंदर बताते रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कैसे शादी हो सकती है, और ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में शादी कैसे हो पाएगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करते हैं तो उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि केवल हिंदू ही आपस में शादी कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम एक्ट की बात करेंगे तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल मुस्लिम ही आपस में शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करेंगे तो उसमें लिखा गया है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई और धर्म का भी क्यों ना हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बिना धर्म बदले हुए शादियां हो सकती हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आसानी से शादी हो, स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि घर पर नोटिस जाता है, 30 दिन का वक्त लगता है, नोटिस जाता है, घर वालों को पता चल सकता है नोटिस के माध्यम से। तो उसमें अगर आप घर वाले तैयार हैं तभी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना पॉसिबल है। अदरवाइज आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो हमारे पास में होता है शादी करें, उसमें जो भी मुस्लिम या अन्य रिलीजन से होंगे उनका धर्म परिवर्तन अगर आप चाहें तो करा सकते हैं, उसके बाद से आर्य समाज में मैरिज होगा और फिर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है हमारे पास करने के लिए। यानी आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पहले आप जो भी अन्य धर्म के होंगे उनका रिलीजन चेंज करके वो मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में या किसी अन्य रिलीजन से, अगर चाहे तो, ये आपको मैं अंडरलाइन करता हूँ, मेंशन करता हूँ कि किसी भी प्रकार का ये फोर्सफुली नहीं है या यह वीडियो इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया है कि आप धर्म परिवर्तन करने के मोटिवेट हो। अगर आपका हिंदू धर्म के अंदर आस्था होगा और आर्य समाज में शादी अगर आप करना चाहते हैं तो जो भी दूसरे रिलीजन के कपल हैं उनको अपना धर्म चेंज करके और फिर वो आर्य समाज में मैरिज कर सकते हैं और अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अन्यथा आपके पास ऑप्शन है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करें या फिर मुस्लिम मैरिज के तहत भी आप शादी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।